Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. लुधियाना के ढंडारी इलाके की दुर्गापुरी में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई और अभी तक 8 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। लेकिन वे स्टोर किए गए केमिकल के चलते आग लगातार बढ़ रही है। फैक्ट्री का नाम प्रकाश केमिकल फैक्ट्री है। गनीमत ये रही कि समय रहते फैक्ट्री के सभी वर्कर वहाँ बाहर निकल गए, लेकिन अभी भी यहाँ लगी आग को बुझाने में कई घंटे और लग सकते हैं, जिसके चलते फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान और केमिकल आग की भेंट चढ़ गया। कैसे आग लगी है सर? किस चीज की फैक्ट्री है? एक प्रकाश केमिकल है। आग तो पता नहीं अंदर कैसे चली है। सानू भी सौन में तो इन्फॉर्मेशन आई जब अभी आए हैं, बहुत आग ज्यादा थी। इसमें कोई और बंदे फंसे होने की अभी तक कोई नहीं पता चला। इसमें कोई आइडिया नहीं कि कितने लोग काम कर रहे थे? कोई नहीं, अभी कुछ नहीं पता। नहीं अभी तो ये तो हमें अभी नहीं पता चला कि भाई कैसे लगी है। मैं जो यहाँ पहुँचने पर पता लगा कि ब्लास्ट हुआ है, तो ये टैंकर खड़ा है शायद इसी में ब्लास्ट हुआ होगा। और ये मेथानॉल का टैंकर है और ये तो खाली हो चुका है, लेकिन अंदर ड्रम है मेथानॉल के, वो फट रहे हैं। वो फटने के बाद इधर आकर गिरा है, कोई साथ में बैग की फैक्ट्री थी उसमें गिरा है, उसमें भी लगी आग। कितनी गाड़ियाँ मौके पर? मौके पर 6 गाड़ियाँ हैं, 3 अभी आ रही हैं। तो ये कब तक आग पर काबू पाया जा सकता? ये नहीं कह सकते कि ये नहीं कहा। ये कौन सी एरिया कौन सी है? ये फोकल पॉइंट है मेट्रो की बैक साइड। कारण क्या है? क्या वो किस वजह से आग लगी है? अब ये तो अभी पता चलेगा, पता करेंगे हम आग बुझाने के बाद। हाँ जी हाँ जी, और भी गाड़ियाँ मंगाई है। परमजीत सिंह गरचा जी, वार्ड नंबर 28 कौंसलर हैं इतों मौजूदा। तो सानू हुणे 1.5-2 घंटे पहला पता लग्या कि इतने प्रकाश केमिकल नूं अग लग चुकी आ। असीं सारे अपने पिंड वाले इकट्ठे हो गए, सारे मौके ते असीं पहुंचे हां। मौके ते पहुंच के असीं मार्केट बंद करवाई, अंदरों ते समान कढवाया, नाल ही दुर्गा माता मंदिर आ उत्थों ते भी समान अंदरों कढवाया कि कोई होर जानी नुकसान ना हो सके। पर अग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगी आ, 1.5-2 घंटे हो गए लगातार अग ते काबू पैण दा कोई नाम नहीं हो रहा। 3 गड्डियां अज तक फायर ब्रिगेड दियां पहुंचियां ने, घट्टो घट्टे ते 10-20 गड्डियां आउण तां जाके समस्या दा हल होना वा। नहीं तो जे कितने उधर रहायशी एरिए वाल अग बद गई तो होर भी नुकसान हो सकता, जानी माली नुकसान बहुत हो सकता। प्रशासन से आपकी बात हुई? कोई फोन किया आपने? प्रशासन से मेरी बात हुआ है, जोनल कमिश्नर साहब से बात हुआ है, CP साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस लुधियाना से बात हुआ है, DC साहब का फोन बिजी आ रहा है, उन्होंने फोन नहीं उठाया है, उनका फोन बिजी चल रहा है। तो क्या लग रहा है कितनी गाड़ियां मौके पे आनी चाहिए तो आग पर काबू पाया जा सके? मौके पे कम से कम 10 गाड़ियां मौके पे चाहिए थी, 10 और चाहिए थी, 20 गाड़ियों से कम से कम इसके ऊपर काबू पड़ सकता है। फैक्ट्री है ये, केमिकल की फैक्ट्री है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी भी और भी इलीगल जहाँ फैक्ट्रियाँ सारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये रहायशी एरिया है, गांव है, ये टंडारी खुर्द गांव है, इसके नज़दीक ही ये फैक्ट्री है। अच्छा ये बताइए, फैक्ट्री में काम चल रहा था, लोग थे उसमें, मजदूर थे? चल रहा था, जब आग लग गया तो लोग निकल के बाहर चले गए, बाकी आग बुझने के बाद ही पता चलेगा कि अंदर में कोई बंदा तो नहीं रह गया या नहीं कुछ भी। किस चीज़ की फैक्ट्री? किस चीज़ की सर? केमिकल की। केमिकल की।